अब देखते हैं क्या रोल ऑफ रोबोट है इंडस्ट्री में, क्या रोबोट का रोल है। तो इंडस्ट्रियल रोबोट क्या होता है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है, रिप्रोग्रामेबल होता है और ये मल्टीपर्पज मैनिपुलेटर के लिए यूज होता है। और इसको प्रोग्रामेबल हम करते हैं 3 या 3 से ज़्यादा एक्सिस के लिए यूज होता है। और ये तो इसका जो एक्सिस होता है वो फिक्स्ड होता है या मोबाइल होता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। तो इंडस्ट्रियल ऑटो रोबोट जो क्या होता है, ऑटोमेटिकली होता है, वो कंट्रोल होता है, रिप्रोग्रामेबल भी होता है और ये किसी मल्टीपर्पज मैनिपुलेटर डिफरेंट पर मैनिपुलेटर के लिए यूज होता है। और इसको प्रोग्राम कर सकते हैं आप 3 या 3 से ज़्यादा एक्सिस में कर सकते हैं और इसका एक प्लेस या तो फिक्स होता है या तो मोबाइल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, जो इंडस्ट्रियल रोबोट हैं उसके फीचर्स हैं। और इसका जो जनरल पर्पज क्या है कि मशीन पोजेसिंग सर्टेन एंथ्रोमॉर्फिक, मतलब एंथ्रोमॉर्फिक मतलब आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे क्या, एंथ्रोमॉर्फिक मतलब कि कोई भी मिनिमम, जैसे कोई मैन्यूट कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो जहाँ पे ह्यूमन नहीं जा सकता वहाँ पे होता है सर्टेन एंथ्रोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक, द मोस्ट ऑब्वियस ऑफ विच इज मैकेनिकल आर्म। इसके पास एक मैकेनिकल आर्म होते हैं जो कि एक ह्यूमन की तरह सिमिलर होता है। यहाँ पे लिखा है देखिए, अदर ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोबोट कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सेंसरी इनपुट, कम्युनिकेट विथ अदर मशीन, ये सब सारी चीजें हमारी इसमें होती हैं। और इसमें क्या होता है, जो कैपेबिलिटी होता है वो ह्यूमन से ज़्यादा होता है, परमिट करता है रोबोट को कहाँ डिफरेंट यूजेस होता है इसमें, इंडस्ट्रियल टास्क जो कि परफॉर्म करता है टिपिकल प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे कोई होता है इसमें क्या, स्पॉट वेल्डिंग में, मटेरियल ट्रांसफर करने में, मशीन लोडिंग अनलोडिंग करने में, स्प्रे पेंटिंग करने में, यहाँ पे सारी यूजेज होती हैं। और रोबोट ये क्या कर रहा है, सब्सटीट्यूट कर दे रहा है किसको, ह्यूमन में कहाँ पे हैजार्डस या डेंजरस इन्वायरमेंट में, जैसे बॉम्ब डिटेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग यहाँ पे। और रोबोट क्या होता है, जो परफॉर्म करता है कोई भी वर्क साइकिल को परफॉर्म करता है विद कंसिस्टेंसी एंड रिपीटेबिलिटी, इसका वर्ड इंपॉर्टेंट देखेंगे कि वो एक ही एक्शन को बार बार परफॉर्म सेम अमाउंट सेम एफिशिएंसी से कर सकता है जो ह्यूमन नहीं कर सकता। और रोबोट क्या होता है, रिप्रोग्राम हो सकता है कि जब इसमें पता चले कोई भी प्रोडक्शन रन कर रहा है कि उसको जो टास्क को कंप्लीट करने में नहीं कंप्लीट कर पा रहा है तो उसको रिप्रोग्राम करके उसको फिर से हम यूज कर सकते हैं, उसको डिफरेंट टास्क करने के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। और रोबोट क्या होता है, कंट्रोल बाय कंप्यूटर, देयरफॉर कैन बी कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर सिस्टम। ये रोबोट क्या होता है, कंट्रोल हो सकता है रोबोट कंप्यूटर द्वारा, इसके द्वारा क्या होता है डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम द्वारा भी ये कंट्रोल हो सकता है। देयरफॉर जब हम ऊपर जितने भी बातें किए तो क्या कह सकते हैं, रोबोट कैन इंपॉर्टेंट प्ले रोल इन द इंडस्ट्री, ये हमारी है। थैंक यू।